नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज बाजार की क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई, ठीक है। अगर आप डेली कैंडल पे देखोगे चार्ट तो बुरा है, 1 आवर की कैंडल पे अगर आप देखोगे चार्ट को तो एक चीज यहाँ पर आपको अच्छी दिखाई देगी, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सपोर्ट पे बाजार आकर के खड़ी है। 17,350 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है और वहीं पर बाजार आकर के क्लोजिंग दी है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। अक्सर सवाल कुछ अलग अलग तरीके के आते रहते हैं और ये सवाल जो मैं आज ले रहा हूँ इसको थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं 10 मिनट की कैंडल लगा रहा हूँ। कहा जाता है कि जब गैप डाउन हो जाए तो एक रिट्रेसमेंट का वेट करो, ठीक है, उसके बाद ही आपको शॉर्ट करना चाहिए। लेकिन सेटअप हमको बिना रिट्रेसमेंट के अगर सेल करने के लिए बता दे, यानी कि बाजार गिरी, गैप डाउन करी, उसके नीचे और गिर गई, उसके बाद हमारा सेटअप बोल रहा है भाई यहाँ पर सेल ही करना चाहिए, तो हम वहाँ पर क्या करें? क्या हमको ट्रेड अवॉइड करना बेटर ऑप्शन मतलब चूज करना चाहिए या फिर ट्रेड हमको लेना चाहिए? मैं आपसे कहता हूँ कि ट्रेड आप लीजिए। अगर मान लेते हैं कि आप 10 लॉट में ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आप 2 या 3 लॉट में ट्रेड लीजिए। जिस तरीके का आपका कनेक्शन हो उसी हिसाब से आपको ट्रेड लेना चाहिए। और एक चीज़ बाज़ार के टर्म में नोट करके रखिएगा, मैंने अक्सर हमेशा बात की है इसके बारे में कि जो बाज़ार में हो रहा है ना, जो हो रहा है वो होता रहेगा। यानी कि अगर बाज़ार गिर रही है तो गिरती रहेगी, एक जोन आएगी ओवरसोल्ड जोन, वहाँ पर आपको अलर्ट होने की ज़रूरत होती है। एक जोन आती है ओवर बाई जोन, ओवर बॉट जोन जिसको कहते हैं, वहाँ पर आपको अलर्ट होने की ज़रूरत होती है, जो कि मैं आपको 2 दिन पहले बताया था, ठीक है, और बॉटम के टर्म्स में भी बताया था मैंने। ये सब चीज़ें आप आसानी से ऑप्शन डेटा से डिकोड कर सकते हो, ठीक। लेकिन जो बाज़ार में हो रहा है हमको अगर ट्रेंड को फॉलो करके ट्रेड करना है तो वही करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कोई सेटअप बनाए हो जो ट्रेंड को फॉलो करता है, जैसे कि हमारा निफ्टीडर सेटअप है, तो आपको सेल साइड का ही ट्रेड मिलेगा और वहाँ पर आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आज क्या हुआ, 3 मिनट और 10 मिनट की कैंडल पर सेल साइड का ट्रेड मिला, सब जगह पर टारगेट हिट हुए। ज़्यादातर लोगों की कंप्लेन ये थी 3 मिनट पे तो ट्रेड हमने अवॉइड कर दिया, 10 मिनट पे ट्रेड लिया कम क्वांटिटी के साथ लिया, तो जिस दिन सारे के सारे टारगेट मिले सेटअप पे उस दिन हमने ट्रेड अवॉइड ही किया या फिर कम क्वांटिटी के साथ किया। तो इसका मेरे पास भी कोई सीधा सोल्यूशन नहीं है, आपको खुद डिकोड करना होगा क्या चीज़ आपको बेस्ट सूट कर रही है। मुझे जो चीज़ सूट करती है वो ये कि अगर मेरा कन्विक्शन कम है तो मैं क्वांटिटी कम रखता हूँ, ट्रेड अवॉइड नहीं करता हूँ, ठीक है, समझ गए आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें निफ्टीडर सेटअप पे 10 मिनट पे भी हमको सेल साइड का ट्रेड मिला था। 10 मिनट पे हमने खरीदा था 17,250 की पुट को और 17,300 की पुट को हमने खरीदा था। 3 मिनट की कैंडल पे आसानी से हमको सारे टारगेट मिले बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। अपना सेटअप बना करके ही ट्रेड कीजिए, ये मैं आपको हमेशा बार बार रिकमेंड करता हूँ। कैसे बनाना है खुद का सेटअप, उसके लिए वीडियो है व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप, आई बटन पे मिल जाएगी मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में। चलिए कुछ न्यूज वगैरह जरूरी है आपके लिए जानना। टाटा मोटर्स, टाटा सन्स, ठीक है, टाटा मोटर स्टॉक आज गिरा है, ठीक है, बाजार ही गिरी है, लेकिन टाटा सन्स में एन चंद्रशेखरन साहब को 5 साल के लिए क्या बनाया गया है, जाकर सर्च कीजिए न्यूज और ये जरा चेक कीजिए कि कौन है ये भाई साहब जिनको टाटा ग्रुप इतनी इंपॉर्टेंस देता है। ये तो पता ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टाटा ग्रुप के बहुत सारे स्टॉक्स ने बहुत बड़ी बड़ी वेल्थ बनाई है इन्वेस्टर्स के लिए, आपको जरूर रिसर्च करनी चाहिए। कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जो मेरी रडार पे हैं, जहाँ पर मैं ट्रेड पकड़ना चाहता हूँ। ब्लू चिप कंपनी ITC, आपको पता है। अब आप कहोगे ITC किसकी रडार पे नहीं होता, भाई अभी जहाँ पर खड़ा है वो लेवल बहुत परफेक्ट है, ठीक है, एक बढ़िया तेजी आई, रिट्रेसमेंट ले लिया, स्टॉप लॉसेस खा चुका है, अभी बैठा है। अगर ये स्टॉक 232 रुपये 15 पैसे 20 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देता है 15 मिनट की कैंडल पे, मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा, क्योंकि बढ़िया लेवल है ट्रेड लेने के लिए। रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारे फेवर में है, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, less than 2% का, या यूं कह सकते हो 1.5% के आसपास का स्टॉप लॉस है और टारगेट आपको 3 से 4% का मिल सकता है, तो रिस्क रिवार्ड हमारे फेवर में है, तो यहाँ पर मैं इस स्टॉक को रडार पे रखा हूँ। एक स्टॉक है लॉरस लैब्स, काफ़ी तेजी आ चुकी है, आज भी इसने गजब की क्लोजिंग दी है, और क्योंकि ये स्टॉक पोर्टफोलियो का है तो आपके लिए डिस्क्लेमर भी मैं दे रहा हूँ, प्लस मैं यहाँ पर ट्रेड लेने की पूरी कोशिश करूँगा, हो सकता है यहाँ पर एक बड़ी तेजी देखने को मिले। बहुत सारी चीज़ें हमारे फेवर में है, क्या क्या चीज़ें हमारे फेवर में है, वो चीज़ें हैं कौन कौन सी, मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में वीडियोज़ हैं, आप जाकर चेक कर लेना, तभी आपको बातें समझ में आएंगी। बाकी लॉरस लैब्स भी मेरी रडार पे है, 550 के ऊपर तो मैं यहाँ पर तगड़ी वाली तेजी कर सकता हूँ अगर मिलता है सेटअप पे ट्रेड। डुडला डेरी देखिए लेवल तोड़ रहा है, इम्पॉर्टेंट, लेकिन 500 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, पिछली बार तगड़े से लिया था और उसके बाद क्या हुआ था वो आपको पता है पूरी कहानी, पूरे बुल्स यहाँ पर हावी हो गए थे। सेकंड अटेम्प्ट है, कोशिश यही होगी इस स्टॉक की कि एक बार फिर से जंप ले, मैं सिर्फ कोशिश की बात कर रहा हूँ, और अगर जंप लेता है रिट्रेसमेंट के बाद जो कि हो चुका है, ठीक है, एक पुल बैक आता है तो वहाँ पर आपको पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। बाई साइड का ट्रेड मैं यहाँ पर लूँगा 508-509 के ऊपर अगर मिलता है तो, बाकी 500 के नज़दीक अगर मतलब पुल बैक दिखाता है तो भी मैं लेने की कोशिश करूँगा। आज का दिन बढ़िया गया ट्रेडिंग के लिहाज से, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, और अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो उसके लिहाज से भी अच्छा नहीं गया। और यही होता है यार बाजार में, अगर आप हर जगह पार्टिसिपेट कर रहे हो इंट्राडे में, स्विंग ट्रेड में, इन्वेस्टिंग में, तो जब बाजार गिरेगी तो हो सकता है ट्रेडिंग बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे जाए,
और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी परफॉर्मेंस ना दे तो आपको बुरा नहीं मानना है। सबका अपना दिन आता है, सबका अपना समय आता है, उसी हिसाब से आपको एंजॉय करना चाहिए। बाकी आपका कोई सवाल सुझाव हो तो व्हाट्सएप पे ज़रूर पूछिएगा, कोई दिक्कत हो तो भी व्हाट्सएप पे बताइएगा। अगर रात वाली वीडियो नहीं आ पाती है तो आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएंगे, निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स, निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल, बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल और इंट्राडे स्टॉक्स। टेलीग्राम से जुड़ना हो तो सर्च कर लीजिए इनोसेंट इन्वेस्टर। स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है और बहुत ही जल्द हम आपके लिए बिल्कुल रेगुलर अवेलेबल रहेंगे। तो यार अभी विदा ले रहे हैं, जल्दी मिलेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। नमस्कार।